पूरा मूड माहौल तेजी का बन रहा है। आईटी काउंटर्स का बोलबाला है। एलटीआई माइंडट्री में सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है, 3% के गेंस फिर टीसीएस फॉलो करता हुआ, बजाज फिनसर्व और ओएनजीसी। ओएनजीसी की गाड़ी रुक ही नहीं रही है। आज एक और सत्र जहां पर 2.5% का इजाफा, इंडिया सीमेंट 6% ऊपर, इंडस टावर, बिरला सॉफ्ट, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ लैगर्ड्स में हीरो और बजाज ऑटो, कोल इंडिया, ग्रासिम जैसे काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। यही नहीं, आज ट्रेंड, हायल, सीमेंस, ये भी इनफैक्ट कैपिटल गुड कंपनियों में आज हमने देखा है कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये पॉकेट है जहां पर कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। फटाफट से हेवल्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक अब फिसलने लगा है, ध्यान रखिएगा, मुनाफा है 411 करोड़, अपेक्षा थी 445 करोड़ की, रेवेन्यू 5,798 करोड़, अपेक्षा थी 5,787 करोड़, तो वो एक बीट है। लेकिन इबिट्टा लेवल पर जहां पर एक्सपेक्टेड था 625 करोड़ का नंबर, 576 पर सिमट के रह गया है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 9.9% पर, ये भी उम्मीद से कम दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी, इबिट्टा और मार्जिन्स पर एक मिस है, इसीलिए वो स्टॉक आपको 1.5% नीचे दिख रहा है। आगे कुछ और डिटेल्स आएंगे कंपनी की तरफ से, प्रोडक्ट वाइज वो ब्रेकअप जब आएगा उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन जिस तरह की